गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो हाँ बच्चों, कहाँ थे हम? अच्छा, लिखा ही होगा। कोई डिस्कशन करनी है हमें अभी? या मेरे ख्याल अभी आगे थर्मो पढ़नी थी आज ना। ठीक है, ओके तो थर्मो में बच्चों सबसे पहले तो हमें हमें पता है कि गैसेस अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस अंडरगो करती हैं, तो हमें सारे के सारे प्रोसेसेस के लिए तीन मेन क्वांटिटीज तो निकालनी आनी ही चाहिए, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा क्यू राइट। तो अब क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं? सबसे पहले हो गया आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में तो डेल्टा यू तो जैसे हमने अभी केटीजी में समझा था, वो तो हर जगह सेम ही होता है ना। आइसोकोरिक में डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो जाता है, और इसलिए डेल्टा क्यू एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी हो जाता है। फिर आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक में भी डेल्टा यू यही रहता है, डेल्टा डब्ल्यू क्या बन जाता है? पी डेल्टा वी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो इस कारण से डेल्टा क्यू बन जाता है एफ बाय टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी। फिर आता है बच्चों आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स डेल्टा टी जीरो है। डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाता है? एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, और डेल्टा क्यू भी यही हो जाता है।
अगला है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में भी डेल्टा यू इज एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी। बताओ डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है बच्चों एडियाबैटिक में? इट इज सिंपली माइनस डेल्टा यू ओनली, राइट? तो माइनस एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी एंड डेल्टा क्यू इज जीरो। और एक बच्चों हम लिख लेंगे कोई भी जनरल या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसका मतलब होता है पीवी रेस टू पावर एम इज कांस्टेंट, यहाँ एम कुछ भी हो सकता है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगेन डेल्टा यू तो सेम ही आएगा, इस केस में बच्चों बताओ डेल्टा डब्ल्यू क्या आता है? किया होगा पक्का। एन आर डेल्टा टी ओवर वन माइनस एम, हाँ। और डेल्टा क्यू क्या बन गया? एन आर डेल्टा टी एफ बाय टू प्लस वन ओवर वन माइनस एम। राइट बच्चों? तो बच्चों मैंने एक फॉर्म में लिख दिए, मैंने देखो आप जनरली सारे रिजल्ट्स लिखे हैं टेम्परेचर की फॉर्म में, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए है ना इनटू वेरियस फॉर्म्स, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके उसको प्रेशर या वॉल्यूम की फॉर्म्स में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए है ना। मतलब याद तो एक तरह से रखो बस, आप उसको कन्वर्ट करना आप कर ही सकते हो, आपको पता ही है कि उसको कैसे लिखना ना। फिर बच्चों आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, बस यहाँ पे हम जो बात कर रहे होते हैं वो मोलर स्पेसिफिक हीट की कर रहे होते हैं। तो एक कंसेप्ट हीट का ही है, हीट में हमने स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन की हुई थी? हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर मास था, बस यहाँ पे पर मोल कर दो, ठीक है ना। तो आप डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हो। तो सीवी का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक के लिए अगर हम डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी निकालें, ये हम देख सकते हैं क्या बन गई, एफ आर बाय टू। आइसोबारिक के लिए अगर हम निकालें तो आप देखोगे कि ये बन जाती है एफ बाय टू प्लस वन इंटू आर, राइट? तो बच्चों होता क्या है, देखो माइंड में क्या रखो कि गैसेस के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस पे डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा प्रोसेस करवा रहे हो, ठीक है। जैसे हम हीट में पढ़ते थे तो स्पेसिफिक हीट वाटर की एक ही है ना, उसमें कुछ आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ता था। बट गैसेस में क्या चक्कर है कि भाई स्पेसिफिक हीट इटसेल्फ प्रोसेस डिपेंडेंट है। तो
व्हाट इट मींस इज कि भाई अगर आप गैस का आइसोकोरिक प्रोसेस करवाओगे तो स्पेसिफिक हीट एफ आर बाई टू है, आइसोबारिक करवाओगे तो ये है, ऐसे ही अगर आइसोथर्मल कराओगे बच्चों तो आइसोथर्मल में क्या होगी, उसमें इनफाइनाइट हो जाएगी क्योंकि डेल्टा टी आ गया, एडियाबैटिक में जीरो हो गई क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो आ गया, पॉलीट्रॉपिक में आप देखो क्या बन गई, एफ बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय एन। ठीक है, तो यहां से आप ये भी देख सकते हो कि CP माइनस CV जो है वो R बन जाता है, ठीक है, ये और ये मतलब ऑफ कोर्स हम सारा कुछ आइडियल गैसेस के लिए ही पढ़ रहे हैं, और CP बाय CV जो होता है जो कि 1 प्लस 2 बाय F बन गया, इसको हम डिनोट करते हैं गामा से जो हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो बच्चों व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो हम निकाल रहे हैं वैल्यूज, ठीक है, जैसे हमने स्पेसिफिक हीट निकाली, ऐसे आप गैस की कोई भी प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, ठीक है, हो सकता है वो इमेजिनरी प्रॉपर्टी पूछ लें आपसे, तो वो पूछे क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको तो बस उसको इस फॉर्मूला में अप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसे ऐसे ही हम एक चीज निकालते हैं, फॉर एग्जांपल बल्क मॉडुलस ऑफ गैस, तो कैसे निकलेगा गैस का बल्क मॉडुलस बताओ मुझे, हमें बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता है कि इट इज माइनस वी डीपी बाय डीवी, तो आप कैसे निकाल सकते हो बल्क मॉडुलस बताओ मुझे, तो फॉर एग्जाम्पल आपको आइसोथर्मल के लिए निकालना है, राइट, तो आइसोथर्मल में आपको पता है कि पीवी इज कॉन्स्टेंट, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू वी, क्योंकि मुझे ऊपर दिख रहा है कि वी चाहिए, तो क्या बन गया ये देखो प्रोडक्ट रूल, V dP by dV plus P is equal to zero, तो minus V dP by dV जो कि bulk modulus है वो किसके equal आ गया, pressure के equal आ गया। ठीक है जी, ऐसे ही मुझे बताओ बच्चों बी एडियाबैटिक क्या होगा,
तो आप अगर सॉल्व करोगे इट विल टर्न आउट टू बी गामा पी। और बी पॉलीट्रॉपिक विल टर्न आउट टू बी एम इंटू पी। तो मतलब व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर वो आपको कुछ इमेजिनरी भी बना के दे दें, है ना, कि आपको वो वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो निकालनी कैसे। और एडियाबैटिक का हमें पता है क्या होता है प्रोसेस, पीवी गामा कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, हमें कई बार प्रोसेस आइडेंटिफाई करना होता है कि डायरेक्टली नहीं दिया होता, हम ट्राई करते हैं कि किस टाइप का प्रोसेस है। देखो बच्चों, अगर तो क्वेश्चन में लिखा होता है इंसुलेटेड कंटेनर, तो इसका मतलब ऑब्वियसली एडियाबैटिक है कि कोई हीट नहीं एक्सचेंज हो रही। अगर क्वेश्चन में लिखा हो Highly conducting container, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, क्योंकि वो फटाफट सराउंडिंग से हीट कंडक्ट करके टेम्परेचर सेम कर लेगा। अगर क्वेश्चन में जैसे कई बार पिस्टन दिया होता है कुछ, तो अगर पिस्टन को स्लोली मूव कर रहे हैं तो आइसोबारिक होता है। और अगर एक कोई भी रिजिड कंटेनर है तो वह आइसोकोरिक होता। बच्चों नेक्स्ट आते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स में सबसे पहले तो हमें वो जो किसी भी टाइप के प्रोसेस को
एक पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अब चार तरीके के हमारे प्रोसेसेस हैं, जो आइसो बारिक होगा वो ऐसे होगा, ये आइसो कोरिक होगा, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। अब ग्राफ से बच्चों हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है? सबसे पहले तो ये बच्चों कि आइसोबार या उससे भी पहले एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या देता है? वर्क डन। ठीक है, एंड बच्चों ग्राफ से भी एंड रिजल्ट से भी हमें ये बात पता चल गई थी कि जो ये वर्क डन है एज वेल एज डेल्टा क्यू बोथ आर प्रोसेस डिपेंडेंट। ठीक है, तो आइसोबारिक में सबसे ज्यादा वर्क डन होता है, फिर उसके बाद आइसोथर्मल में होता है, फिर एडियाबैटिक में होता है, और फिर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में तो जीरो ही है, राइट? नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि एडियाबैट इज स्टीपर देन आइसोथर्म। ठीक है, अब इसको बच्चों ऐसे नहीं याद रखना, समझो कि एडियाबैट जो है वो आइसोथर्म के नीचे होती है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है कि स्टीपर होती है, क्योंकि आप ऊपर वाले रीजन में देखो जहां ये कॉमन पॉइंट है, इसके ऊपर देखो वहां तो एडियाबैट जो है वो आइसोथर्म के ऊपर है ना। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है यहां से। सी लेट से मैं से दो लाइंस बनाई मैंने, तो ऑब्वियसली आप देख के बता दोगे कि कौन सा एडिया बैट और कौन सा आइसोथर्म है। तो ये आइसोथर्म है, ये एडियाबैट है ना? बच्चों ये मान लो कॉमन पॉइंट कुछ पी है। अब ध्यान से सुनना, अगर तो हम बच्चों पी से राइट को जा रहे हैं, मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है, तो किसका एरिया ज्यादा आएगा?
आइसोथर्म का. और जब गैस एक्सपैंड करती है तो वो कौन सा केस होता है, मतलब वर्क डन बाय गैस या वर्क डन ऑन गैस? बाय. तो देखो ध्यान से देखना स्टेटमेंट्स. वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन एडियाबैटिक, राइट? एंड अगर अब बच्चों मान लो हम पी से लेफ्ट को जाएं, मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, तो किसका एरिया ज्यादा आएगा? एडियाबैटिक का. और अगर गैस कंप्रेस होती है तो वो कौन सा केस होता है? वर्क डन ऑन द गैस. तो आप देख रहे हो एक वर्ड चेंज करने से हमारा आंसर बदल जाएगा. इजंट इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस? मतलब किस तरह से इंपॉर्टेंट कि जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि और सब एग्जाम्स में आया हुआ है, नीट में नहीं आया अभी तक ये केस. ठीक है जी. तो मतलब जो हम ऊपर भी बच्चों लिखते हैं ना, ये जो सारे लिखे हैं, ये हमने कौन से वाले वर्क डन लिखे हैं? ये सारे मतलब बाय गैस वाले हैं, एक्सपेंशन वाले हैं, राइट? ओके. फिर बच्चों आपको कन्वर्जन आनी चाहिए फ्रॉम मतलब एक टाइप ऑफ ग्राफ टू अनदर. मतलब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केस वो ये वाला है कि जैसे अच्छा अगर हम ये दो प्रोसेसेस दिखाएं, ठीक है, मैं ऐसे ही एक प्रोसेस वन दिखा रहा हूं, ये कोई और प्रोसेस टू है, इन दोनों का यहां पे कैसा आएगा ग्राफ? प्रोसेस वन बच्चों वीटी ग्राफ में कैसे शुरू शो होगा? तो बच्चों देखो जो राइट साइड वाला ग्राफ है उसकी जो स्लोप होएगी वो वी बाय टी होएगी. राइट? और वो V by T क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन से?
एन आर बाय पी, राइट। अब पी है तो कॉन्स्टेंट, तो मतलब कॉन्स्टेंट स्लोप आएगी, बट आप देख सकते हो कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी स्लोप कम होगी। तो प्रोसेस टू की लाइन ऐसे आएगी और वन की ऐसे आएगी ना, तो मतलब थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव है, राइट, ये बना के ही पता चलेगा। क्लियर बच्चों? है ना, मतलब माइंड में हमेशा ऐसे ही आता है कि वन इधर ऊपर है तो उधर भी ऊपर ही होगा। तो बच्चों एक साइक्लिक प्रोसेस की क्या खासियत होगी कि वो मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जो पूरा साइकिल कंप्लीट कर ले, मतलब शेप इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो पूरा साइकिल कंप्लीट करे, जहां से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म हो ग्राफ। तो जो क्या खासियत होती है साइक्लिक प्रोसेस की, सबसे पहले तो साइक्लिक प्रोसेस का जो डेल्टा यू होता है वो जीरो होता है, राइट, क्योंकि डेल्टा यू जो क्वांटिटी है बच्चों वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, वो स्टेट डिपेंडेंट है, राइट। तो जो हमारी तीन क्वांटिटीज हैं डेल्टा यू, डेल्टा क्यू और डेल्टा एच, उसमें डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू, उसमें डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू जो हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, डेल्टा यू पाथ डिपेंडेंट नहीं है, वो तो सिंपली स्टेट डिपेंडेंट है कि गैस की इनिशियल स्टेट क्या है या फाइनल स्टेट क्या है। तो साइक्लिक में अगर आप उसी स्टेट पे ले आए तो जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा, राइट। So now, क्योंकि डेल्टा यू जीरो होता है बच्चों एक साइक्लिक प्रोसेस का, तो इसलिए एक साइक्लिक प्रोसेस का जो डेल्टा क्यू होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब बच्चों एक साइक्लिक प्रोसेस में और ये डेल्टा डब्ल्यू होता क्या है, एरिया इंक्लोज बाय द कर्व,
अगर बच्चों ये साइकिल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका वर्क डन और डेल्टा क्यू दोनों ही क्वांटिटीज पॉजिटिव आएंगी, और अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्वांटिटीज नेगेटिव आएंगी। ठीक है जी, अच्छा बच्चों ये रख सकते हो याद बच्चों, कोई इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से, मतलब हमेशा आपको पता चल जाएगा। अच्छा बच्चों डेल्टा क्यू की साइन कन्वेंशन क्या होती है? डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब हीट गिवन टू गैस है ना, ये कंफ्यूज मत होना। मतलब ये थोड़ा सा वो है ना कि मतलब वर्क डन ऑन द गैस को हम नेगेटिव कहते हैं, बट हीट गिवन टू द गैस को हम पॉजिटिव कहते हैं, राइट? मतलब गैस पे वर्क हो रहा है तो उसको नेगेटिव बोलना है, लेकिन गैस को हीट दे रहे हो तो उसको पॉजिटिव बोलना है। तो अब बच्चों क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा ऐसा होगा कि किसी ना किसी पार्ट में हम नेट चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब फाइनली जीरो आएगी। मैंने ये नहीं कहा कि इन बिटवीन इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, इन बिटवीन द हो सकती है, बट फाइनली जाके वो वही आ जाएगी। मतलब आप ऐसे सोचो कि पहले टू थी, टू से थ्री हो गई, थ्री से फोर हो गई, बट फाइनली फिर फोर से टू ही होगी जब तक आप इनिशियल स्टेट पे पहुंचोगे। तो अब बच्चों जब भी एक साइक्लिक प्रोसेस होता है तो उसमें हमेशा ऐसा होगा कि किसी ना किसी पार्ट में आप गैस को हीट दे रहे होंगे और किसी ना किसी और पार्ट में गैस से हीट निकल रही होगी। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप गैस को सिर्फ हीट दे रहे हो या फिर गैस से सिर्फ हीट निकल रही हो, कहीं ना कहीं तो दोनों इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि एक ही जगह होंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि किसी ना किसी एक जगह पे हीट आ रही होगी और किसी ना किसी एक जगह से हीट निकल रही होगी, ये साइक्लिक प्रोसेस में होना जरूरी है। ठीक है, तो जो डेल्टा क्यू होता है
वो बेसिकली इन दोनों का नेट होगा। मतलब सोचो कि अगर गैस को आपने 10 हीट दी और 4 निकल गई, तो नेट हीट कितनी मिली है गैस को? 6 मिली है। वो कैसे निकाला आपने? क्यू इन माइनस क्यू आउट, जो कि डेल्टा डब्ल्यू भी है। राइट? तो अगर हम सोचें बच्चों, एक साइक्लिक प्रोसेस में कुछ वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ क्यू इन है और कुछ ना कुछ क्यू आउट भी होगा। ठीक है, इस बात को हम एक और फॉर्म में भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं एज अ हीट पंप। तो हम बच्चों कहते हैं कि एक हीट पंप की वर्किंग क्या होती है, कि वो किसी एक, बेसिकली ये गैस है, तो गैस किसी एक जगह से हीट ले रही होती है गैस किसी और जगह पे हीट डंप कर रही होती है। ठीक है, एंड इन द प्रोसेस गैस कुछ ना कुछ वर्क करती है। तो मतलब हीट पंप का काम, हीट पंप कह लो या हीट इंजन कह लो, हीट, तो इसका काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स हीट टू वर्क। तो अब बच्चों ध्यान से सोचो, ये जो आपका इंजन है, इसने वर्क किया डेल्टा डब्ल्यू, राइट? आपने कितनी हीट दी? आपने तो क्यू इन दिया ना हीट। राइट? मतलब इसने कैसा कुछ किया है कि इसको आपने 10 हीट दी, 10 में से इसने 4 वर्क कर दिया और 6 हीट बाहर फेंक दी। तो आपकी तो 10 हीट ही लगी ना, और वर्क कितना मिला आपको? 4। तो हम इस बेसिस पे बच्चों एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं एक प्रोसेस की। जो की होती है डेल्टा डब्ल्यू बाय क्यू इन। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू हमने ऊपर लिखा था, क्या हो जाता है? क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। तो ये बन गई 1 माइनस क्यू आउट बाय क्यू इन। ठीक है बच्चों, तो ये एक जनरल रिजल्ट है फॉर एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन।
ठीक है। और यही चीज बच्चों आपको साइक्लिक प्रोसेस में भी बार बार पूछी जाती है, तो वही चीज है। तो मतलब इसको बच्चों मैं इस तरह से कहता होता हूँ, मतलब आपको शायद किसी और तरह का हो तो आप देख लेना। मतलब बेसिकली एफिशिएंसी क्या हो गई, ऊपर तो आएगा एरिया है ना, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा समेशन ऑफ डेल्टा क्यू पॉजिटिव्स। मतलब आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना है, सिर्फ वो वाली हीट जो सिस्टम को मिल रही है। तो जहां जहां पे भी डेल्टा क्यू पॉजिटिव है आपने वो हीट्स लिखनी है। अंडरस्टूड? तो अगर कोई एफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है साइक्लिक प्रोसेस का, तो उसमें आपको मतलब क्या होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से पार्ट्स में डेल्टा क्यू पॉजिटिव है। तो न्यूमरेटर में तो सीधा एरिया आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको वो जहां जहां पॉजिटिव आएगा वो ऐड करना पड़ेगा। क्लियर टू एवरीवन? अब बच्चों हीट इंजन का उल्टा क्या होता है? रेफ्रिजरेटर या दूसरा क्या नाम होता है इसका बच्चों? अच्छा बच्चों एक मिनट, इससे पहले कार्नोट साइकिल क्या होता है? कार्नोट बच्चों इज बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस एक सेकंड बच्चों
यस तो कार्नोट की क्या खासियत है, वो उसमें दो आइसोथर्म्स होते हैं और दो एडियाबैट्स होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस में अगर हम सारे पार्ट्स का वर्क डन और डेल्टा क्यू निकाल के एफिशिएंसी निकालें, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाती है 1 माइनस TL अपॉन TH। ठीक है, इसकी बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है? यस, नॉट फिजिकली, थ्रेटिकली। दिस इज द थियोरेटिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी बिटवीन टू टेम्परेचर्स। ठीक है बच्चों, जैसे मैं इसको आपको इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हमेशा याद रहेगा। हम बच्चों जैसे अपनी कार्स होती हैं या टू व्हीलर्स होते हैं, हम उनमें हमेशा बात करते हैं ना कि भाई कितना एवरेज देती है या कितना माइलेज देती है, विच इज कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर चलती है ना। तो मुझे बताओ, जैसे आपको आइडिया होना चाहिए नॉर्मली जो कार्स होती हैं अपनी, उनकी कितनी एवरेज होती है पर लीटर, वो कितना चलती हैं? अराउंड 15, राइट? मतलब जो अब लेटेस्ट आ गई उनकी थोड़ी 20 के आसपास चली जाती है, थोड़ी सी पुरानों की 15। तो ये 15 से 20 किलोमीटर्स पर लीटर की रेंज में लाया करता है ना। वही टू व्हीलर्स का ज्यादा होता है, बाइक्स का मतलब सम बाइक्स क्लेम इट टू बी 75 to 80 किलोमीटर्स पर लीटर एज वेल, राइट? तो बच्चों अगर हम ब्रॉडली समझें एक कार के अंदर होता क्या है, वो तो हीट इंजन ही है, राइट? कार की वर्किंग प्रैक्टिकली इस तरीके से ही है। इसको क्यू इन कैसे मिलता है कार को? जो फ्यूल बर्न करता है, ठीक है, उस कारण से मिलता है उसको क्यू इन। ठीक है, वर्क डन क्या है उसका? टायर्स को घुमाना, ठीक है। और क्यू आउट क्या है? हमें पता है कि जब कार चलती है तो वो उसका इंजन गर्म हो जाता है, ठीक है, या पीछे से जो उसकी स्मोक पाइप है वो भी हॉट हो जाती है, वो सब कुछ क्या है? वो क्यू आउट है। ठीक है, तो अब बच्चों मान लो एक कार मैन्युफैक्चरर है, उसको पता है कि जब कार का फ्यूल बर्न किया तो वहां पे कितना टेम्परेचर क्रिएट हुआ, ठीक है। उसको ये भी पता है कि नॉर्मली कार की जो हीट उसने डंप करनी है कार ने, जो क्यू आउट है, वो कहां करना है? सराउंडिंग्स में। तो सराउंडिंग्स के भी टेम्परेचर का हमारे को आइडिया होता ही है कि 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया,
राइट। तो कार मैन्युफैक्चरर को पहले ही पता है कि, बच्चों मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होंगी, कि भाई जो टी एल है वो अप्रोक्सीमेटली, एक भाई प्लीज ध्यान रखना इसमें टेम्परेचर्स केल्विन में डलते हैं, ये गलती मत कर देना ठीक है, कि जो टी एल है वो अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन है, एंड आई एम जस्ट गेसिंग ठीक है। मान लो टी एच जो फ्यूल को बर्न करके टेम्परेचर क्रिएट हुआ अंदर, लेट अस से वो 1000 केल्विन है ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को उसी टाइम पे पता है कि जो एफिशिएंसी आई ये, वैसे मैंने बहुत ही ज्यादा ले लिया, इसको बचाए 400 कर दो, उतने पे तो सब कुछ पिघल ही जाएगा अंदर। तो ये कितना आया, 25। तो यहीं से ही डिसाइड हो गया कि भाई अगर वो परफेक्ट सिस्टम भी बना लेगा सारा, तो भी सिर्फ 25% ऑफ हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होगी ठीक है। अभी तो और बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस करने के बाद जो एफिशिएंसी रह जाती है वो बहुत ही कम रह जाती है, मतलब जो एक्चुअल एफिशिएंसी आती है ना बच्चों कार इंजन की, वो 15% होती है। तो मतलब जितना पेट्रोल से हमें एनर्जी मिलती है उसकी 85% लूज होती है, सिर्फ 15% एनर्जी है जो कि एक्चुअली कार को चलाने में यूज होती है। तो मतलब आप सोच लो कि व्हीकल्स के चलने पर हम कितनी हीट एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कितनी एनर्जी वेस्टेज है ठीक है। बट इट इज जस्ट कि हमारे पास राइट नाउ कोई तरीका ही नहीं है और। तो दिस इज एग्जैक्टली वाई अब जो रिसर्च जा रही है ठीक है, अब जो मेजर रिसर्च है वो इस बात पे नहीं है कि कार की एवरेज कैसी बढ़ाई जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो भाई पहली लिमिट हो गई कि चाहे हम कुछ भी कर लें 25 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती है ना। तो अब रिसर्च किस पे जा रही है कि इस सिस्टम को ही चेंज कर दो, कि हीट इंजन ही लगाना बंद कर दो, तो इसलिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है सारा कुछ, दे आर मच मोर एफिशिएंट कंपेयर्ड टू दिस ठीक है। तो मतलब बच्चों फर्क क्या है इस चैप्टर में और बाकी चैप्टर्स में, बाकी चैप्टर्स में तो हम ये कहते हैं कि हाँ जी एफिशिएंसी प्रैक्टिकली इतनी हो सकती है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि थ्रेटिकली इतनी हो सकती है ना। बाकियों में तो हम ये कह देते हैं कि हाँ जी वैसे तो 100 है लेकिन प्रैक्टिकली 100 से कम रह जाती है लॉसेस के कारण, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई थ्रेटिकली ही कम होती है, प्रैक्टिकली तो उससे और कम हो जाती है राइट। तो प्लीज रिमेंबर कि कारनॉट गिव्स द थ्रेटिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है जी ओके। तो बच्चों ये हीट इंजन का ऑपोजिट होता है रेफ्रिजरेटर, विच इज ऑल्सो नोन एज अ हीट पंप। बच्चों मैंने पहले गलत लिख दिया था, प्लीज ध्यान रखना हीट इंजन इज समथिंग एल्स, हीट पंप इज ऑपोजिट ऑफ हीट इंजन ठीक है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप एक ही काम करते हैं। तो बच्चों यहां पे क्या होता है, बच्चों एक रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है,
हाँ बच्चों, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? किसी को नहीं पता रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है। ठंडा कैसे करेगा? अगर वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जगह से, राइट? तो बच्चों रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि वो एक जगह से हीट एनर्जी लेता है और उसको कहीं और डंप कर देता है। ठीक है, सोचो जैसे फ्रिज है, वो क्या करता है? वो अपने अंदर वाले कंपार्टमेंट से, मतलब जो उसका दरवाजा लगा हुआ है, उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है, वहां से हीट एनर्जी निकाल रहा है और उसको क्या कर रहा है? रूम के अंदर फेंकता जा रहा है। ठीक है, मतलब दिस इज योर फूड बेसिकली, और वो कहां पे फेंक रहा है? रूम के अंदर हीट। बिल्कुल यही एसी करता है। एसी क्या करता है? रूम के अंदर से हीट एनर्जी निकालता है और रूम के बाहर उसको डंप कर देता है, राइट? ये सबने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप एसी के मतलब बैक वाली साइड जाओ तो आपने देखा होगा वो कितनी गर्म हुई होती है, राइट? क्योंकि वो रूम की हीट एनर्जी को निकाल के वहां पे डंप कर रहा। तो बट बच्चों ये होता कैसे है? आप एक बात समझो बच्चों, जो ऊपर वाला केस था वहां पर भी क्यू एन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वहां पे तो हीट एनर्जी खुद से फ्लो करेगी क्योंकि आप जहां से हीट ले रहे हो उसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। जैसे मैंने पेट्रोल का एग्जांपल लिया, तो पेट्रोल जब बर्न होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो उससे तो अपने आप हीट एनर्जी फ्लो करेगी। लेकिन यहां पे आपने जिधर से हीट निकालनी है उसका क्या, उसका टेम्परेचर ज्यादा है बच्चों? नहीं, तो हीट एनर्जी अपने आप तो फ्लो करेगी नहीं। तो ये हीट एनर्जी फ्लो करवाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, मतलब एक फिगर वाइज देखने में बहुत छोटा सा फर्क है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में, बट फंडामेंटली क्या फर्क है? हीट इंजन में अपने आप हीट एनर्जी आ रही है, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी डंप हो रही है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे सोचें, हीट इंजन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा? मतलब ये पूरा कुछ करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें तो इस रीजन में यहां पे हाई टेम्परेचर देना है ना? यहां पे हाई टेम्परेचर आ गया तो अपने आप उससे हीट फ्लो करेगी, जिससे कुछ वर्क हो जाएगा और बाकी हीट डंप हो जाएगी। बात समझ आई बच्चों? रेफ्रिजरेटर कैसे काम करना शुरू करेगा? रेफ्रिजरेटर में रोल आता है, शुरू होता है प्रोसेस W से, कि जब आप W करोगे तो वो रेफ्रिजरेटर एक जगह से हीट निकालेगा और फिर उसको डंप कर देगा। ठीक है, तो जो हम कहते हैं ना एसी के अंदर या फ्रिज के अंदर कंप्रेसर होता है ना, सुना होगा आपने हमेशा टर्म, हम एसी में कहते हैं कंप्रेसर ऑन हो गया तभी ठंडा करना शुरू करता है। तो कंप्रेसर का काम क्या होता है? यही W करना। कंप्रेसर इज द डिवाइस जो कि W करता है, जिस कारण से हीट निकलनी शुरू होती है। तो यहां बच्चों बताओ मुझे एरोस की डायरेक्शन देख के क्या रिलेशन बनेगा बिटवीन W क्यू इन एंड क्यू आउट? अच्छा बच्चों, मतलब आई डोंट नो,
हो सकता है आपने मतलब थोड़ी आपकी मतलब नोटेशन डिफरेंट हो जो आपको सर ने बताई हो. मतलब मैंने जो क्यू इन क्यू आउट लिखा हुआ है बच्चों, वो किसके रिस्पेक्ट में है? गैस के रिस्पेक्ट में, राइट? कि गैस जो हीट ले रही है वो क्यू इन है, गैस जो हीट डंप कर रही है वो क्यू आउट है, ठीक है ना? तो आपने बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से भी ना थोड़ा वर्डिंग्स का ध्यान रखना है. कि जैसे क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा हुआ है कि फाइंड द हीट टेकन आउट ऑफ फूड, तो आप जल्दबाजी में क्यू आउट मत निकाल देना. हीट टेकन आउट ऑफ फूड इस फिगर के हिसाब से कौन सी हुई? क्यू इन, ठीक है ना? तो वो गलती नहीं करनी. दूसरी बात बच्चों, अब यहां पे क्या रिलेशन हो गया? आप देखो, क्यू आउट इज इक्वल टू क्यू इन प्लस डब्ल्यू. ठीक है? तो बच्चों मतलब ऐसी अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि बेसिकली क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर, आप इस इक्वेशन से समझ सकते हो कि रेफ्रिजरेटर अगर एक जगह से लेट अस से चार हीट निकाल रहा है, ठीक है, तो वो चार हीट निकालने के चक्कर में सराउंडिंग्स में चार से ज्यादा हीट डंप कर रहा है, इजंट इट? कि उसने खाने में से तो चार निकाली, लेकिन इन द प्रोसेस उसने रूम के अंदर चार से ज्यादा हीट डंप कर दी. तो बच्चों इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि भाई जितना एसीज बढ़ते जा रहे हैं उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, राइट? क्योंकि फाइनली तो ये सारे के सारे डिवाइसेस क्या कर रहे हैं? एक्सट्रीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना. तो रेफ्रिजरेटर के केस में बच्चों हम जिस क्वांटिटी में इंटरेस्टेड होते हैं बच्चों वो क्या है? आप देखो बच्चों कि बेसिकली हमारे लिए कौन सी क्वांटिटी यहाँ यूजफुल हो गई? मतलब जितना अच्छा एसी होगा या जितना अच्छा फ्रिज होगा उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए कौन सी क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए? आउट या इन? है ना? कि वो मतलब खुद कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कितना निकाल लेगा हीट वहां से खाने में से, राइट? तो यहां पे हम जिस टर्म की बात करते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज सीओपी. तो सीओपी फॉर फ्रिज और एसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्यू इन अपॉन डब्ल्यू. ठीक है?
कि मतलब पर वर्क डन कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली एसी ने खुद से, या मतलब कि कितनी हीट उसने खाने में से या रूम में से निकाल ली। तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा है हमारे लिए, राइट? तो ये क्वांटिटी बच्चों हमेशा वन से बड़ी होती है। आपने बच्चों कभी देखा है एसी के ऊपर या फ्रिज के ऊपर लिखा होता है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार? राइट? तो बच्चों दैट इज बेस्ड ऑन सीओपी, ठीक है? तो जितना सीओपी ज्यादा होता है उतना ज्यादा स्टार रेटिंग मिलती है। तो ऑब्वियसली जितना सीओपी ज्यादा होगा उतना डिवाइस कम इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। क्लियर बच्चों? तो मतलब हम क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में एफिशिएंसी की बात नहीं करते, हम सीओपी की ही बात करते हैं। हाँ, यहां पर भी हम बच्चों एक चीज बना सकते हैं, देखो कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, क्यू एन अपॉन डब्ल्यू आपका क्या बन गया, क्यू आउट माइनस क्यू एन। तो इसको बच्चों क्यू एन से डिवाइड कर दो तो ये बन गया क्यू आउट बाय क्यू एन माइनस वन। राइट? तो यू कैन कन्वर्ट दिस टू एफिशिएंसी, मतलब आप इसको एफिशिएंसी की टर्म्स में लिख सकते हो। तो मतलब देखो यहां से देखो आप क्यू आउट बाय क्यू एन की वैल्यू क्या है, 1 माइनस ईटा। तो उसका मतलब रेसिप्रोकल आ जाएगा एफिशिएंसी का, देख पा रहे हो? तो वो नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि एक में वर्क डन पॉजिटिव है, एक में वर्क डन नेगेटिव है। यहां पे भी बच्चों हम सीओपी मैक्सिमम लिख सकते हैं कि अगर कारनॉट कराएंगे तो वो अगेन टेम्परेचर की टर्म्स में आ जाएगा, तो वो 1 अपॉन TH बाय TL माइनस वन आ जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों?
रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब से देख सकते हो, वहां पे है सारी। ठीक है बच्चों, डन। फिर नेक्स्ट क्लास में आपने इसकी शीट करके लानी है, वो डिस्कस करेंगे। राइट, चलो, ओके बाय।